नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। जबलपुर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दोपहर जबलपुर पहुंचे और जनजातीय नायक अमर शहीद राजा शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम ने अमर शहीद राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सीएम शिवराज सिंह ने ऐलान किया कि अब से हर साल इस बलिदान दिवस को मध्य प्रदेश सरकार करेगी। यह कार्यक्रम हमारी डायरी में परमानेंट रहेगा। जबलपुर के माल गोदाम चौराहे में स्थित अमर शहीद राजा शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के दौरान सीएम ने कहा कि शंकर शाह रघुनाथ शाह ने भारत माता के लिए अपना सर्वोच्च जीवन निछावर कर दिया। सीएम ने कहा कि मैं आज उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। माल्यार्पण के बाद सीएम शिवराज सिंह वेटनरी ग्राउंड पहुंचे, जहां पर कि उन्होंने सभा को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि जनजातीय नायक अमर शहीद राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह हमारी प्रेरणा है। जब तक आसमान में सूरज चांद रहेगा, तब तक राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह का नाम रहेगा। जबलपुर से मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है, मैं उसे चुकाया करता हूँ। उनका उपकार है हम पर। भारत माता के पैरों से स्वतंत्रता की बेड़ियाँ काटने के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और क्रांति की ऐसी ज्वाला फूकी थी कि पूरा मध्य प्रदेश अंग्रेजों को खदेड़ देखने को खड़ा हुआ था। आज मैं हमारे अमर शहीद राजा शंकर शाह जी रघुनाथ शाह जी उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ कि उनके त्याग और तपस्या के कारण भारत आज़ाद हुआ और इसलिए आज उनको प्रणाम करने बलिदान दिवस का कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। उस कार्यक्रम के लिए मैं आया हूँ, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। खबर समय जगत के लिए ब्यूरो चीफ पंकज जैन की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।